पहले वाला आगे से ले जा, आगे से भैया रेडी हो गए अभी ये तो अगर खाना हो तो फिर पैक करके मिल जाएगा, पैक करके मिल जाएगा। कितने दिन तक चलते हैं एक बार लेने पे? 15 दिन तक खराब ही होता है ये बिना। स्टार्ट हो गई है बेस में, ऐसा क्या होता है जो ब्लैक हो जाता है? हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रश एंड वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। गाइस आज हम आए जामा मस्जिद में जो कि है पुरानी दिल्ली में। और यार सब आप सबको पता ही है जो पुरानी दिल्ली है वो अपने खाने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इसलिए आज हम भी आ गए यार क्योंकि हम तो खाने के चटोरे खाने के भूखे, जहाँ खाना बढ़िया मिलता है वहीं पहुँच जाते हैं। तो इसलिए आज हम आए जामा मस्जिद में और मैंने सुना है यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि शीरमल हो गया और यहाँ पर कूल पॉइंट नाम की दुकान है, उसमें भी बहुत गज़ब का शाही टुकड़ा मिलता है। चलो यार आज हम उनमें से आपको तीन चार आउटलेट और तीन चार जगह ट्राई करके बताएंगे, उनको रिव्यू करके बताएंगे। तो आओ यार बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। यार ये है मटिया महल जो कि जामा मस्जिद के अंदर, और मेरे को सामने हाजी नदीम शाही शीरमल दिख रहा है। और मैंने सुना है यार इनके जो शीरमल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, तो ये गेट नंबर 1 के सामने है जामा मस्जिद के। चलो यार अपनी वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यहीं चलते हैं आज। यार आज का हमारा पहला स्टॉप है हाजी नदीम शाही शीरमल। तो यार यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के शीरमल मिलते हैं, तो आज हम वही ट्राई करेंगे। और उनमें से देखो इन्होंने कुछ बना के रखे हैं। इस वाले का प्राइस क्या है भैया? इसका प्राइस इसका 300 और इसका 200 70 का है, 50 और वो 25 का है। यार वैरायटी तो बहुत सारी है इनके पास, तो हमने तो 100 वाला लिया, तो चलो यार अब उसकी मेकिंग देखते हैं। ये बेस किस चीज़ का बना रखा है आपने? ये होता है सूजी बेसन मैदा दूध घी से तैयार होता है। ये सारी चीज़ें डालते हैं इसके अंदर जी, और मसाले डालते हैं, बहुत सारे मसाले भी डालते हैं। तो आप कितने टाइम से बना रहे हैं शीरमल? यहाँ पर 3 साल से हैं हम काम। आप 3 साल से हैं यहाँ पे। ये क्या चीज़ है? पानी होता है, पानी है बादाम चिपकाने के लिए। बादाम बहुत सारे ड्राई फ्रूट लगा दिया आपने तो उसके ऊपर। ये आई इसकी असली खूबसूरती। अभी इसको छोटे पीसेस करने के लिए ड्राई फ्रूट्स डालें, इसे छेद करते हैं जिससे फूले ना, अच्छा फूले ना। तो कितना टाइम लगेगा इसको? अभी तंदूर में जाएगा, तंदूर में जाएगा ठीक। हमारे शीरमल रेडी हो गए हैं भैया, उसे बाहर निकाल रहे हैं। ओ भाई 3 शीरमल एक साथ। कितना सुंदर लग रहा है देखने में, लग दो भैया। भैया रेडी हो गए अभी ये तो अगर खाना हो तो फिर पैक करके मिल जाएगा, पैक करके मिल जाएगा। कितने दिन तक चलते हैं एक बार लेने पे? 15 दिन तक खराब नहीं होता ये, बिना 15 दिन तक खराब नहीं होता बिना फ्रिज के भी। हमारा रखोगे आप 1 महीने चलेगा फ्रिज में, 1 महीना सही है, ये भी ठीक है। चलो यार अब टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। रेडी हो गया यार, अब हमारा शीरमल रेडी हो गया है। तो यार अभी इन्होंने देसी घी में से निकाला है, एकदम गर्मा गर्म शीरमल है। और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी देखो, कितना सारा ड्राई फ्रूट लगा रखा है इन्होंने इसके ऊपर। तो यार इससे ऊपर के मॉडल है इनके पास, मतलब इससे अच्छा भी शीरमल मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा ड्राई फ्रूट होता है। तो आओ यार इस वाले को ट्राई करते हैं भाई। ये देखो कितना सारा देसी घी है, हाथों पर लग गया मेरे, एकदम डूबा हुआ है देसी घी में। भाई टेस्ट बहुत ज़्यादा लजीज है। सर जो शीरमल है इसका जो बेस है यार वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये बिल्कुल देसी घी में डुबा रखा है इन्होंने, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रखे हैं इसके ऊपर, जिसके वजह से उसका टेस्ट यार बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहा है खाने में। अब बहुत पसंद आया मेरे को तो। सर अब यहाँ तो ट्राई कर लिया,
अब चलते हैं किसी और जगह और वो आपको जगह ट्राई करके दिखाते हैं। सर शेरवन वाली शॉप से आप बाहर निकलेंगे तो सामने ही कूल पॉइंट वाली दुकान है, वो देखो जीने के नीचे वाली दुकान है इनकी। और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं, शाही टुकड़े जैसे। ये सामने मेरे दोस्त खड़े हुए हैं। जल्दी आके मिलते हैं। सर यहाँ पे हमारे पैसे की अपना ये मेन शाही टुकड़ा है, शाही टुकड़ा प्लस रबड़ी खा सकते हो, खाली रबड़ी भी खा सकते हैं। इसके साथ हमारे पास आइसक्रीम होती है वनीला और मैंगो, आपका वनीला मैंगो सभी हमारे खुद के बनाए हुए आइटम है। इसके अलावा फिरनी है, बादाम मिल के, केसर मिल के, कुल्फी फालूदा मिल जाएगा, रबड़ी फालूदा मिल जाएगा आपको। मतलब मेन जो हमारी आइटम है, शाही टुकड़ा विद आइसक्रीम खा सकते हैं, शाही टुकड़ा विद रबड़ी खा सकते हैं। ये हमारे बहुत पॉपुलर चीज़ है। शाही टुकड़ा विद आइसक्रीम खाएंगे, विद रबड़ी खाएंगे, विद रबड़ी। एक मिनट भैया, आराम से करना। क्या प्राइस है इसका? ये हमने लिया है शाही टुकड़ा विद रबड़ी और इसका प्राइस है 50 रुपीज़। तो आओ इसको टेस्ट करते हैं हम। जो शाही टुकड़ा और रबड़ी का कॉम्बिनेशन यार ये परफेक्ट है एकदम। इन्होंने इसके अंदर देखो ड्राई फ्रूट्स डाल रखे हैं, बहुत सारा देसी घी डाल रखा है, दूध डाला हुआ है और मतलब बढ़िया बढ़िया सामान डाल रखा है सारा। आप इसकी एक बाइट लोगे ना मतलब रेजिस्ट नहीं कर पाओगे खुद को, खाते चले जाओगे, इतना ज़्यादा बढ़िया है टेस्ट में। चलो अब कोई और दूसरा आइटम ट्राई करते हैं इनकी शॉप से। चलो यार अब इनकी मैंगो आइसक्रीम ट्राई करते हैं, दिखाना भैया मैंगो आइसक्रीम। और ये जो इनकी मैंगो आइसक्रीम है हैंडमेड होती है और ये खुद ही बनाते हैं ये। प्राइस क्या है इसका भैया? 30 रुपीज़। और ये वाली वनीला है। गर्मी बहुत ज़्यादा तो यार हमने इसलिए आइसक्रीम ले ली, ये वाली मैंगो है और ये वाली वनीला है। और इसको अब ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आम खा रहे हो, बिल्कुल असली आम वाला टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। और अब आ जाओ वनीला ट्राई करते हैं। बढ़िया भाई, दोनों बहुत गजब है, मज़ा आ गया खा के। अरे कूल पॉइंट के बिल्कुल सामने ही सुल्तान जी स्वीट्स एंड स्नैक्स है। तो हमें अंकल जी ने बताया कि यहाँ पे काली जलेबी और काला गुलाब जामुन मिलता है। चलो यार सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब उसको ट्राई भी करके देखते हैं। यार अभी हमारी ब्लैक जलेबी की मेकिंग स्टार्ट हो गई है। भैया इसमें ऐसा क्या होता है जो ब्लैक हो जाती है ये? बताना भैया, घरों बताना क्या ऐसा डालते हो जिससे ब्लैक हो जाती है? खोए से बनती है भाई, स्पेशल खोए से। इस क्वालिटी ये होती है, खोए से बनती है, इसलिए ब्लैक होती है। क्या देना पड़ेगा? दे देंगे भैया टैक्स भी, वीडियो तो बन जाए पूरी। हाँ पता है अंकल मजाक कर रहे हो आप। भाई ये देखो इनका रंग बदलना शुरू हो गया है, जलेबी ने भी रंग बदल दिया, कैसे दिन आ गए हैं अब। भैया पलट के दिखाना एक बार। ये देखो भाई, ये हो गई हमारी जलेबी ब्लैक। ओ भाई ये बढ़िया था भैया, तो बहुत हैवी जलेबी वाले निकले यार। ये चाशनी है भैया, ये डाल दी हमारी जलेबी चाशनी में। वेज में और नॉर्मल जलेबी में क्या फर्क होता है? ये भाई जो नॉर्मल होती है ना वो मैदे की होती है, ये खोए की होती है, प्योर खोए की। और शॉप टाइमिंग्स क्या है आपके? सुबह कितने बजे से? दोपहर एक बजे से रात के 9 बजे तक, रात के भी 1 बजे तक। अच्छा 12 घंटे दुकान खुली रहती है। ये हमारी जलेबी रेडी हो गई है, लगे पड़े हैं इंस्टाग्राम की वीडियो बनाने में।
अरे देखो ये ब्लैक गुलाब जामुन और ये भी खोए से बनते हैं और इसके साथ यहाँ पे दही भल्ले भी मिलते हैं और यहाँ पे उज्जवल भी मिलता है। और यहाँ पे उज्जवल भी मिलता है। सर जो काले गुलाब जामुन है इनका प्राइस है 15 रुपये पर पीस और 300 रुपये के जी। और जलेबी का क्या प्राइस है भैया? भैया जलेबी का प्राइस 400 रुपये के जी। और वैसे प्लेट 50 रुपये प्लेट। और दही भल्ले 40 रुपये प्लेट और दो पीस आएंगे एक प्लेट में। एक मिनट दो, अच्छे लगेंगे। सर हमने अपने गुलाब जामुन ले लिए हैं, ये देखो ब्लैक गुलाब जामुन, तो अब इसे टेस्ट करते हैं। और अंकल तो बहुत तारीफ कर रहे थे कि 100% खोए के बनते हैं। उसका टेस्ट है नॉर्मल गुलाब जामुन जैसे ही है, मतलब कुछ एक्स्ट्रॉडनरी नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है बिल्कुल। बस जो ऊपर से लेयर है उसमें हल्का सा खोए का टेस्ट आ रहा है, बाकी एकदम नॉर्मल है। अब यार ट्राई करते हैं काली जलेबी। हमने दो पीस ही लिए हैं, आप 400 रुपये के जी है ना, उस 400 रुपये के जी आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो आप ऐसे टेस्ट करते हैं। अरे वाली जो जलेबी है काली जलेबी थोड़ी सी टाइट है और नॉर्मल जलेबी से इसका टेस्ट तो अलग है भाई, खोया का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर, बाकी टेस्ट बढ़िया है। और बहुत ज़्यादा चाशनी डाल रखी है इसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर आप भाई जिम विम करते हो ना तो आपके लिए नहीं है चीज़ मैं तो सब चलता है मेरा तो। तो भाई हमने काला गुलाब जामुन और काली जलेबी ट्राई कर ली, तो यार आगे चलते हैं और थोड़ा सा जामा मस्जिद को और एक्सप्लोर करते हैं। तो आ जाओ उज्ज्वल आगे चलें।